विभाग ने जारी किया नोटिस। बिजनौर में दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट, पुलिस ने चार के खिलाफ दर्ज की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सदर तहसील के गुवारा तैयबपुर में अस्थायी गौशाला की हालत काफी खराब है। यहां गौवंशों को हरा चारा देने की बात तो दूर, सूखा चारा पेट भर भी नहीं मिल रहा है। साथ ही ठंड से बचने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। वही जिम्मेदार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने सत्ता में आते ही सड़कों पर छुट्टा घूमने वाले गौवंश की सुरक्षा और उनके रहने के लिए बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए थे, लेकिन नगर से लेकर देहात तक कई आश्रय स्थल ऐसे हैं जहां अब भी औपचारिकता निभाई जा रही है। इसी कड़ी में सदर ब्लॉक के गुवारा तैयबपुर की गौशाला में लगभग 60 गौवंश रखे गए हैं और इस गौशाला में काफी अव्यवस्था पाई गई है। कई मवेशी बीमार हो गए हैं, वहीं एक गौवंश मरणासन्न हालत में है। वहीं केयरटेकर ने बताया कि बीमार जानवर की जानकारी जिम्मेदारों के साथ साझा की गई है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अंश जी, क्या मामला है यहाँ पर? जो गौवंश है उनके आश्रय को लेकर बड़ी अव्यवस्था पाई जा रही है, क्या है पूरा मामला? जी मैम, ये मंजनपुर ब्लॉक के तैबतपुर गांव का मामला है। पूरा यहां पर गौशाला की अव्यवस्था देखने को मिल रही है। जहां पर ग्राम प्रधान द्वारा पूछा गया तो कह रहा है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इसके बाद हमने सीबीओ को भी लगाया, डॉक्टर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन डॉक्टर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें सीधा ग्राम प्रधान का रोल है और ग्राम प्रधान की लापरवाही देखी जा सकती है। तो इस जो पूरी घटना है उस पर प्रशासन का कुछ बयान सामने आया है? नहीं मैम, कोई बयान प्रशासन का तो खैर नहीं आया है, लेकिन हमने डीपीआरओ से बात करने को चाहा, लेकिन डीपीआरओ का फोन नहीं उठ पाया और डीपीआरओ कोई जानकारी नहीं दे पाए। नहीं उच्च अधिकारी जैसे सीडीओ है, सीडीओ भी फोन हमारा नहीं उठा पाए। धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने पर पूजा के अधिकार को लेकर शैलेंद्र पाठक द्वारा दायर याचिका पर आज जनपद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर कल अहम फैसला आ सकता है। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है कि वहां पर कोई भी पूजा पाठ नहीं होता था, जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की बातों को सुनकर आदेश सुरक्षित रख लिया है। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे मुकदमे में भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, जिस पर विश्वेश्वर विराजमान के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने रिपोर्ट की मांग की थी, जिस पर न्यायालय ने उन्हें रिपोर्ट की कॉपी देने की अर्जी स्वीकार कर ली है और इस पर 5 फरवरी को एक बार फिर से सुनवाई होगी। व्यास परिवार का जो केस फाइल किया गया शैलेंद्र व्यास का, हमारा ये कहना है कि वहाँ पे नवंबर 1993 तक व्यास परिवार की पूजा होगी। नवंबर 1993 में पूजा रोकी गई एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा और उसके बाद से वहाँ पूजा पाठ बंद होगी, बैरिकेडिंग लगा दी गई और उस तहखाने में कभी भी अंजुमन ने कब्जा कर सकता था। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त कर दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहाँ पर कब्जा ले लिया और जो हमारी दूसरी प्लेयर की पूजा पाठ थी उस पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ। से जो मुकदमा चल रहा था उसमें वादकारी और वाद मित्र को, उनके अधिवक्ता को एएसआई की 18 दिसंबर को जो जिला जज की कोर्ट में कॉपी जमा की गई थी उसकी एक प्रति इनको 24 जनवरी को आदेश हुआ था वाद मित्र को देने के लिए, उसमें आदेश हुआ है कि उन्हें दिया जाए और अगली तिथि उसकी सुनवाई की 5 फरवरी की लगी है, जिसमें अध्ययन करके उसमें जवाब दाखिल किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा हिंदू पक्ष के द्वारा। बिजनौर में दबंगों ने महिला और परिजनों के साथ मारपीट की, वहीं पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दरअसल ये पूरा मामला थाना चांदपुर के गोयली इलाके का है, जहां पर पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर में बताया कि वो अस्पताल के बाहर बैठी थी, तभी गांव के ही एक व्यक्ति ने उनके साथ गाली गलौज की और मना करने पर मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों के साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की गई।
जिससे महिला के पति के सिर में गंभीर चोट आ गई है। वहीं पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। चंदौली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 300 ईवीएम दुकान में पाए जाने की बात कही गई है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर प्रकरण की जांच की गई, जिसमें मामला फर्जी पाया गया। साथ ही फेक न्यूज फैलाने वाले अकाउंट के खिलाफ प्रशासन ने FIR दर्ज कराई है। बता दें कि वायरल वीडियो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है और जैसा दावा किया गया है वैसी कोई भी घटना नहीं हुई थी। एक वीडियो किसी ट्विटर हैंडल द्वारा शेयर किया गया था, जिसमें 2019 की एक घटना का वीडियो शेयर किया गया, जिसमें लोग शांति से VVPAT मशीन को जब गोडाउन से निकाला जा रहा है उसका वीडियो बना रहे थे। जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला ये वीडियो काफ़ी पुराना है, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान का है और इसमें किसी प्रकार से कोई भी घटना नहीं हुई थी जिस प्रकार से ट्वीट में लिखा गया था। जैसे ही हम लोगों ने जांच पूरी कर ली, तत्काल ट्विटर हैंडल को भी ट्वीट के माध्यम से हम लोगों ने रिप्लाई भी किए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में करीब 3000 वाहन स्वामियों के द्वारा टैक्स नहीं जमा किया गया। अब ऐसे लोगों को ARTO के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही प्रथम चरण में 262 वाहन स्वामियों को RC जारी की गई है और समय से टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है, अन्यथा विधिक कार्यवाही होने की भी आशंका जताई गई है। दरअसल हरदोई में पिछले 10 वर्ष के वाहन स्वामियों के वाहन टैक्स जमा करने की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि करीब 3000 वाहन स्वामियों की ओर से विभागीय टैक्स जमा नहीं किया गया है। समीक्षा के बाद वाहन स्वामियों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इन वाहन स्वामियों पर विभाग का 37,76,424 रुपये टैक्स बकाया है। ARTO प्रशासन संजीव कुमार सिंह ने बताया कि सभी RC राजस्व विभाग को भेज दी गई है। अगर वाहन स्वामी टैक्स जमा नहीं करते हैं तो प्रशासन की ओर से विधिक कार्रवाई की जाएगी। बकाए पर हमारे यहाँ जो है वो लगभग पिछले 10 वर्ष में पंजीकृत जितने वाहन हैं उनमें जो भी वाहन बकाए हुए थे उनको हमने रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी कर दिया है, वो उनको प्राप्त हो गया है। अब जो लोग नहीं जमा किए हैं उसमें हम जो है वो जमा कराने की प्रक्रिया के लिए RC रिकवरी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। फरवरी मार्च को देखते हुए इस क्रम में आज हमने 262 वाहनों पर 37,76,000 की रिकवरी जारी की है। ये लगातार जारी रहेगी जब तक कि ये पैसा गवर्नमेंट का। हरदोई से लड़कियों और महिलाओं के बीच मारपीट की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सवाजपुर थाना क्षेत्र के उधानपुर गाँव का है, जिसमें एक ही परिवार के बीच मामूली विवाद हुआ था, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। घटना का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार ने बताया कि पूरे मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये मामला थाना सवाजपुर के उधानपुर का है, जहाँ पर परिवार के ही दो बच्चों को लेकर जिनको रास्ते को निकलने कोई बात था उसी में वाद विवाद एवं मारपीट की घटना घटित हुई है। उपरोक्त मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। ये जो अगली खबर हरदोई के कछौना से है, जहां घर के बाहर से एक बोलेरो कार चोरी हो गई। वहीं चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई और चोरी के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शीघ्र ही खुलासा कर लिया जाएगा, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल कर तलाश में जुट गई है। ये जो वीडियो है ये थाना कछौना का है, जहां पर रोड के पास एक बोलेरो खड़ी थी जिसको अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया है। उपरोक्त मामलों में कई टीमें गठन कर उसमें CCTV फुटेज को देखा जा रहा है, अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है और वादी के तहत पर मुकदमा पंजीकृत आवश्यक विधि का। उन्नाव के कुशाल खेड़ा गांव में मवेशी चराने के दौरान एक किशोरी ने बड़ा जानवर देखा। जानवर को देख वो सहम गई, इसके बावजूद उसने उसका वीडियो बना लिया। वीडियो में बड़ा जानवर देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वीडियो वायरल होने पर ग्रामीणों में भी हड़कंप मच गया है। हालांकि ग्रामीण जानवर को देखकर तरह तरह की प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दिए। वहीं बड़ा जानवर देख ग्रामीण तेंदुआ बता रहे हैं तो कुछ लोग उसे लकड़बग्घा बता रहे हैं। वीडियो स्पष्ट और दूर से बना होने के कारण चित्तीदार जानवर दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो कौन सा जानवर है। वहीं जानवर को देखकर ग्रामीण दहशत में है। बिजनौर में दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की, पुलिस ने 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।